सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इज ऑल यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिकेट इज ऑल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 24 मई 2018 को क्रिकेट के आज तक के शायद सबसे दिग्गज बल्लेबाजों में से एक एबी डिविलियर्स ने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। दोस्तों ये हम शायद सब जानते हैं कि हमारे दिलों में एबी डिविलियर्स का कितना महत्व था। अगर हम क्रिकेट देखते तो एक वक्त हमारे दिमाग में एबी डिविलियर्स की बात ज़रूर आती थी। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अब जैसे कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को तो अलविदा कह दिया, क्या वो अब डोमेस्टिक लीग्स जैसे कि PSL, IPL, CPL में खेलते हुए नज़र आएंगे? दोस्तों आज मैं आपको यह सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों 24 मई को जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी तब उन्होंने यह साफ साफ कहा था कि मैंने रिटायरमेंट सिर्फ इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया है, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा। जैसे कि तो यहाँ पर साफ साफ मुद्दा उठता है कि क्या वो RCB के लिए अगले साल खेलेंगे? तो दोस्तों जी हाँ, वो बिल्कुल IPL में खेलते हुए नज़र आएंगे दोस्तों, क्योंकि IPL के शायद एक सबसे बड़े सुपरस्टार एबी डिविलियर्स भी है। IPL में कई से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पर लेकिन एबी डिविलियर्स भी उनमें से बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो ये तो रही हमारी आज की रिपोर्ट। दोस्तों अगर आपको कभी भी सबसे बढ़िया क्रिकेट न्यूज़ चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए यार, और नीचे कमेंट्स में बताइए क्या आप खुश हो कि आप दोबारा से IPL में देखना चाहते हो एबी डिविलियर्स को, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा यार अगर आप एबी डिविलियर्स के फैन हो। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।